केस इंडिया में आपका स्वागत है गाइस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण व्यास। तो गाइस मैं आज इसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाली हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट किस प्रकार से निकालना है, बिल्कुल न्यू तरीके से। मतलब बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगने वाला है कि ये तरीका पुराना है, तो आपको बिल्कुल मैं न्यू तरीके से सिखाने वाली हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट किस प्रकार से निकालना है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। स्टार्ट करने से पहले गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो गाइस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि साधारण व्यास किस प्रकार से निकालना है। तो गाइस जैसे सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए इसमें कि साधारण व्यास एक्चुअली होता क्या है, साधारण व्यास किसे कहते हैं। तो देखिए साधारण व्यास जो होता है तो वो एक इस प्रकार से होता है कि साधारण ब्याज बराबर जो होता है वो हमारा वो होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो गाइस ये तरीका लगाकर हम जो है कि ये साधारण व्यास को निकालते हैं यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को निकालते हैं। बट गाइस अगर इस तरीके से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो बहुत लेंथी हो जाता है यानी बहुत ही ज्यादा हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको और भी अच्छे तरीके से बताने वाली हूँ सिंपल तरीके से कि साधारण व्यास आप किस प्रकार से निकालें और कितनी ही आसानी से आप और कितने कम टाइम में आपको हम साधारण व्यास निकालना सिखाने वाले हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं इसमें हम आगे। देखिए तो आपको सबसे पहले इसमें क्या क्या पता है। तो देखिए ये मूलधन जो होता है ये क्या होता है, दर क्या होती है, समय क्या होता है, तो सबसे पहले ये जानना है। तो देखिए ये जो हमारा मूलधन होता है ये प्रिंसिपल होता है, ठीक है। मूलधन को हमेशा याद रखिए ये हमारा प्रिंसिपल होता है और दर हमारी क्या होती है, ये रेट होती है और ये टाइम होता है, ठीक है, समय यानी कि टाइम होता है। तो देखिए इसको हम सिंपल से फॉर्मूले में जब रखते हैं तो कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, इस तरीके से रख देते हैं। देखिए गाइस सवाल किस प्रकार से करना है। देखिए आपको दे दे ऐसे 16,200 के धन पर 25% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको सवाल दे रहे कि 16,200 की धनराशि पर, मान लीजिए ये कोई धनराशि है, इस पर क्या कह रहा है 25% वार्षिक दर से 2 वर्षों में क्या करना है साधारण ब्याज। मान लीजिए इसमें हमको कुछ ऑप्शंस देते हैं, जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन आपको दे दिया जाए 8,000 रुपए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया जाए मान लीजिए 9,000 रुपए एंड थर्ड नंबर ऑप्शन आपको दे दिया जाए 8,400 रुपए एंड फोर्थ नंबर आपको ऑप्शन दे दिया जाए 8,100 रुपए, ठीक है। कुछ इस प्रकार से गाइस क्या है ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए अब आपको अभी हमने बताया था ये इसी चीज को समझाया था कि वार्षिक दर को मतलब साधारण ब्याज को हम किस प्रकार से निकालेंगे। साधारण ब्याज निकालने के लिए अभी अभी हमने आपको बताया था कि क्या करना है, जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछे, ठीक है, साधारण ब्याज पूछे तो देखिए क्या करना है कि वार्षिक दर और क्या करना है वर्ष को, यानी कि हमें क्या करना है आर इंटू टी यानी कि दर और इंटू क्या करना है समय करना है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर आर, देखिए रेट कितना दिया हुआ 25%, ठीक है, इंटू समय क्या है 2 वर्ष, तो हमें ये क्या करना था गुणा करना था 25 × 50%, ये आया कितना आया 50%, ये 50% क्या है साधारण ब्याज है, ठीक है, 50% साधारण ब्याज है यानी कुल ब्याज है। कुल ब्याज हमें कितना मिल रहा है 50%, किस पे मिल रहा है देखिए 16,200 पे, ठीक है, 16,200 रुपए पे हमें क्या मिल रहा है 50%
का कुल ब्याज मिल रहा है, 50% ब्याज मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 50% क्या है। तो 50% यानी कि आधा, मतलब ये 1/2 होता है ना, क्योंकि 50% मतलब होता है 1/2, क्योंकि आधा, तो मतलब इसका आधा जो ये धन राशि है इसका आधा हमें क्या मिल रहा है, ब्याज मिला है, साधारण ब्याज। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका आधा करना है। इसका आधा कीजिए, आंसर देखिए, देखिए क्या है, 16 का आधा कर दीजिए कितना हो जाएगा, 8, और 200 का आधा 100, यानी कितना हो गया, 8100 रुपए। समझ में आया आपको कि कितनी आसानी तरीके, आसान तरीके से हमने ये निकाल दिया। अब देखिए इसे में हम आपको वो तरीका भी लगा के दिखा रहे हैं जिस तरीके से हमने पहले आपको बताया था कि सवाल लेंथी हो जाती है। तो देखिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, फोर्थ नंबर, कितना आया, 8100 रुपए। देखिए इसी में हम आपको जरा वो सवाल भी दिखा देते हैं कि इसको कैसे लगाना है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर हम उसमें रखते थे पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, ये रखते थे। प्रिंसिपल देखिए इसमें क्या कितना होता था, प्रिंसिपल इसमें क्या है, ये है 16,200 इंटू क्या है, रेट कितना है 25%, समय कितना है 2 वर्ष, बटे क्या है 100। अब देखिए ये 100 से ये 2 काटेंगे, उसके बाद अब इसको क्या करेंगे, ये आपस में यहां से गुणा कर देंगे, मान लीजिए तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, अब इसको हम गुणा करेंगे तब जाकर कहीं ये निकलेगा 8100 रुपए। अब देखिए आपको ये तरीका, आपको यहां से मल्टीप्लाई करना पड़ा, फिर यहां से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तब आंसर निकला। और यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ भी कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसका आधा करना है, उसके बाद आंसर यहीं से आ जाएगा। तो गाइस हमें लगता है ये तरीका सबसे बेस्ट है। तो अगर आपको जो भी तरीका अच्छा लगे, अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है करने में तो ये तरीका यूज कीजिए, नहीं तो मैक्सिमम अगर टाइम बचाना है तो आपको ये तरीका यूज करना चाहिए। तो चलिए गाइस नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि नेक्स्ट नंबर सवाल किस प्रकार से लगानी है। देखिए गाइस नेक्स्ट नंबर सवाल, तो चलिए गाइस देखते हैं सेकंड नंबर सवाल। मान लीजिए इसे मैं आपको कह दे कि 12% वार्षिक दर से चार वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, आपसे देखिए ये सवाल क्या कह रहा है कि 12% वार्षिक दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर क्या रखना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट बराबर, क्योंकि साधारण ब्याज ही पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो आप यही रखिए साधारण ब्याज बराबर क्या हमने बताया था, अभी हमने आपको बताया था कि दर इंटू समय। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर क्या रखना है, दर इंटू समय, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर जो निकलेगा, क्योंकि हमेशा अभी आपने आपको बताया था कि मूलधन अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, तो हमें खाली इसको देखना है कि दर और समय को। तो देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, दर कितना है 12% है, तो हमें ये साधारण ब्याज बराबर रखना है, दर 12% इंटू समय कितना दिखा रहा है 4 वर्ष, तो कितना हो जाएगा 48%। ये 48% क्या है, ये हमारा साधारण ब्याज होता है, यानी कि कुल ब्याज। ठीक है, जितना हमें कुल ब्याज मिलता है ये कुल ब्याज होता है, कि हमें किसी चीज पर कुल कितने परसेंट का ब्याज मिल रहा है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे कि हमें किस पर, मतलब किसी चीज पर कितने परसेंट ब्याज मिल रहा है। तो अब आपको साधारण ब्याज इस तरीके से बिल्कुल सिंपली निकालना है। देखिए अभी हम आपको और नेक्स्ट सवाल आगे बताते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और देखिए मान लीजिए इसी में आपसे कह दें, तीसरी नंबर सवाल देखिए, आपसे बोले कि
13% वार्षिक दर से 5 वर्षों, 13% वार्षिक दर से 5 वर्षों में 5 वर्षों का साधारण व्यास क्या होगा? ठीक है, तो गाइस बस हमें ये देखना है कि वार्षिक दर और समय, वार्षिक दर और समय को क्या करना है, एक दूसरे में बस इंटू करना है, मतलब वार्षिक दर को समय से इंटू कर देना है, तो आपको क्या निकल के आएगा, कुल ब्याज निकल के आएगा। तो हमें रखना है सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या रखना है, आर इंटू टी। तो देखिए आर हमारा कितना है, यहाँ देखिए 30% इंटू टी कितना है, टाइम कितना है 5 वर्ष, ठीक है, तो ये क्या होगा 13 बच्चे 65% हमें क्या मिलने वाला है, इसपे ब्याज मिलने वाला है। देखिए इसी पर नेक्स्ट हम एक सवाल और आपको बता देते हैं। मान लीजिए आपको इसमें कहते हैं कि 14% वार्षिक दर से, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 6 वर्षों का पूछ ले, 6 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? तो बस क्या करना है, ये रखना है वार्षिक दर इंटू समय से इंटू करना है 14 16 84%, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस इसी प्रकार से आपको निकालना है वार्षिक दर। वार्षिक दर अब हमें लगता है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि वार्षिक दर किस प्रकार से निकालेंगे, यानी कि कुल साधारण ब्याज जो हमें निकालना होगा, कुल वार्षिक दर यानी कि साधारण ब्याज जो होता है, कुल परसेंटेज कितना होता है वो निकालने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो चलिए गाइस अब इस पे हम देखते हैं कुछ सवाल कि कैसे अब सवाल बनती है। ये तो हमने खाली आपको बताया कि साधारण ब्याज में हमें परसेंटेज किस प्रकार से निकालेंगे, अब इसमें देखिए सवाल कैसे बनती है। देखिए गाइस फर्स्ट नंबर सवाल,